सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। देवताओं को पता लग गया कि ये भागवत की जो पोथी है ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है। इसलिए ध्यान रहे। एक समय कि एक दाही विशालाया चत्वार रसयो अमला सत्संगार्थ समायाता दद्रशुस्तत्र नारद। सुत जी कहते हैं कि एक समय विशालापुरी में, विशालापुरी कहाँ है, बद्रीनाथ धाम, वहां घूमते घूमते हुए गए भगवान का नाम का कीर्तन करते 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 करते। नारद केवल कृष्ण का नाम, नारायण का नाम उच्चारण करते हैं। इसलिए नारद क्या है, नारद का अर्थ है, हमारे ब्रज में कहते हैं कि नारद भाई कौन है, कि नारद वो है जिसकी बात कोई कोई रद्द ना कर सके, जिसकी बात को कोई काट ना सके, कोई रद्द ना कर सके, वह नारद है। और नारद भगवान का मन है, और भगवान का मन कब बनेगा, जब नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण राम राम का चिंतन जिभ्या पे चलेगा, मन में चलेगा, जब चिंतन कृष्ण का सतत है चलता रहेगा। क्योंकि जब भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान भी अपने भक्त को याद करता है। अगर भगवान का भक्त भगवान की याद में अश्रु प्रवाह करता है, रोता है, तो भगवान भी अपने भक्त की याद में अश्रु प्रवाह करता है, उनको भी याद आती है, वो भी अपने सच्चे भक्त के लिए रोते हैं। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो अगला भी आपको प्रेम करेगा। अगर आप किसी को गाली देते हैं, किसी को देख करके जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो क्या अगला तुमसे प्रेम करेगा, करेगा बोलो, नहीं। जब हम कृष्ण की याद करते हैं तो कृष्ण हमें याद करता है, जब हम इन्हें याद नहीं करते तो वो हमें याद कहाँ करेगा। लेकिन फिर भी वो बहुत करुणावान है, वो दया निधान है। नारद जी भगवान का नाम का चिंतन करते 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 विशालापुरी में पहुंचे, सत्संग के लिए गए थे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र हैं। ये सत्संग करने के लिए सनकादिक ऋषियों से गए, लेकिन कुछ मायूस होकर के गए। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और आप वो उसको, उसका मन उसके पास नहीं है, केवल तन खड़ा है, बड़ा वेग में है, जोश में है, आवेश में है, क्रोध में है, मन मायूस है, चिंता की कि सुकुड़न इस मस्तिष्क पर दिख रही हैं, झलक रही हैं, तो आप देख करके खुद कह दो, भाई क्या बात है, आज क्या परेशानी है, आज आप बहुत दुखी दिख रहे हो, कल तो आप बड़े खुश थे, आज इतने दुखी क्यों गए। ये मन जो है ना, ये मन हमको लकीर का फकीर बनाता है, और कभी कभी फकीर से लकीर बनाता है। मन कभी कभी आपका बहुत विशाल वेगवान हो जाएगा, मन कभी कभी आपका बहुत प्रसन्न हो जाएगा, और कभी कभी आपका बहुत मायूस हो जाएगा। इस मन को एक जैसा करने के लिए करना क्या चाहिए, इस मन को रोकने के लिए, इस चंचल मन को थामने के लिए, एक जगह बांधने के लिए कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लीजिए, कृष्ण के चरणों में बांध दीजिए, आपका मन, चंचल मन एक जगह टिक जाएगा। अब ये नारद जी कुछ मायूस होकर के गए,
तो संतों ने पहचान लिए कि महाराज क्या बात है, नारद जी आप तो हमेशा हंसी मुद्रा में रहते हो, खुश रहते हो, आज आप इतने उदास और मायूस क्यों हैं? कथम ब्रह्मन्न दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् कित्वर्तं गम्यतं कुत्र कुतश्चागमनं तदा। हे नारद जी, आज आपका मन इतना उदास क्यों है, इतना मायूस क्यों है? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, हमें बताइए क्यों चिंतातुर हैं? नारद जी ने कहा, प्रभु हम आपको क्या बताएं, मैं तो उस पृथ्वी पर आया था पुण्यवान धरा समझ करके कि यहाँ के लोग पुण्य करते होंगे, तीर्थ जाते हैं, यात्रा करते हैं, भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, लेकिन जब यहाँ मैं आया तो मैंने कुछ और ही देखा प्रभु, कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं इस धरा पर जब आया तो मैंने पुण्यवान समझ करके आया कि चलो भक्तों से करतेन कीर्तन हो जाएगा, सत्संग हो जाएगा और भक्तों का दर्शन हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करके आए, एक परिवार का आदमी, तो और परिवार के लोग उस व्यक्ति का दर्शन करके ही उस तीर्थ का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। नारद जी ने कहा, लेकिन प्रभु मैं पुण्यवान धरा समझ करके तो आया, लेकिन मैं बड़ा संकुचित हो गया। मैंने भ्रमण किया चारों तरफ, मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, और तो और क्या बताऊं, मैं गृहस्थियों के घर में भी गया और वहां मैंने क्या देखा कि सास और बहू का बड़ा कलह होता है। बहू सास को देखकर बिल्कुल खुश नहीं, बहू सोचती है कि सास कब मरे, कब अलमारी की चाबी मेरे पास आए, और सास सोचती है कि बहू मेरी सुधर जाए, जैसे मैं कहूं वैसे नाचे। अब उनकी आपस की ईर्ष्या का अर्थ कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, केवल अभिमान का है। सास कहती है मैं बड़ी बहू से मैं कैसे झुक जाऊं, और बहू कहती है कि मैं बड़ी हूं सास से मैं कैसे झुक जाऊं, जब तक अलमारी की चाबी नहीं देगी तब तक मैं कैसे झुक जाऊं। अब इसका अर्थ क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ना, स्वार्थ है भाई। सास का स्वार्थ बहू से क्या है कि बहू मेरे कहने के अनुसार चले, मेरी साफ सेवा करे, मेरे पैर दबाए, मुझे भोजन कराए, मुझे स्नान कराए, और समय समय पर जैसे मैं कहूं वैसे काम करे, तो सास बड़ी खुश, फिर तो बहू की खूब प्रशंसा करेगी। और एक दिन बहू ने अगर आनाकानी कर दी तो मेरी बहू बड़ी खराब, ये तो मेरा कहना नहीं मानती, क्या किया जाए। अगर दोनों ही वैमनस्यता छोड़ दें तो फिर दुख किस बात का होगा। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।